तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और एक ही वीडियो में संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया है। तो देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, और इसका इंग्लिश जो नाम है उसको प्रीएम्बल कहा जाता है। प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना या उद्देशिका होती है, प्रीएम्बल कहा जाता है। सबसे पहली बार संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उसी उद्देश्य प्रस्ताव में देख सकते हैं, ये संविधान सभा की बैठक हो रही है जिसमें जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ये इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में जो संविधान की जो प्रस्तावना है इसका उल्लेख मिलता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पहली बार जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया जाता है। और ये जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में सबसे पहली बार जो संशोधन होता है वो 42वां संशोधन है। 1976 में संशोधन किया जाता है, इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हैं, और 42वां संशोधन किया जाता है। 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें संशोधन किए जाते हैं, और संविधान की पूरी बहुत सारे आर्टिकल क्या होते हैं इसमें संशोधित हो जाते हैं। तो 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से इस प्रस्तावना में पहली बार संशोधन होता है, और संशोधन के परिणाम स्वरूप समाजवादी और पंथनिरपेक्ष तथा और अखंडता शब्द तीन शब्दों को जोड़ा जाता है। प्रथम पैरा में संविधान का जो प्रस्तावना है उसके प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द तथा छठे पैरा में और अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है। देखते हैं, ये रहा आपका प्रथम पैरा। प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष इस शब्द को जोड़ा गया था, और ये प्रथम पैरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा और ये छठवां, अखंडता शब्द ये छठे पैरे में इस शब्द को जोड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में कि किस पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, और किस पैरा में अखंडता को जोड़ा गया था। तो छठे पैरे में और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, और प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इस पंथनिरपेक्ष जो शब्द है ये पहली बार यसर बुम्बई का एक केस है, उस केस में ये पंथनिरपेक्षता शब्द को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया था। प्रस्तावना में हम देखेंगे, प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, पांच प्रकार के स्वतंत्रता की बात की, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तथा दो प्रकार के समानता की बात की, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। हम देखते हैं उसको, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय की बात हो रही है, पांच प्रकार के स्वतंत्रता की बात हो रही है, यानी विचार, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना की स्वतंत्रता, पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है, और दो प्रकार के समानता की बात हो रही है, यानी कि प्रतिष्ठा की बात हो रही है और अवसर के समता की बात हो रही है, यानी दो प्रकार के समानता की बात हो रही है, तीन प्रकार के न्याय, पांच प्रकार की स्वतंत्रता और दो प्रकार के समानता की बात की जा रही है हमारे संविधान की उद्देशिका में। उसके बाद देखते हैं, छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, ये भी संविधान में देखते हैं प्रस्तावना में। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर को। और 26 जनवरी 1950 को ये हमारा जो प्रस्तावना है, ये हमारा संविधान जो है लागू किया गया था। यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 आंसर हुआ, लेकिन जब अंगीकृत की बात होगी तो 26 नवंबर 1949 की बात की जाएगी। इसी 26 नवंबर को
26 नवंबर को भारत में विधि दिवस यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर, जिसको अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है, इसी अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। इसके बाद देखते हैं, पहली बार इनरी बेरुबरी केस में इसे संविधान का अंग नहीं माना गया था। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान के जो बेरुबरी का केस था उसमें कहा गया कि ये संविधान में ये प्रस्तावना का अंग नहीं है। लेकिन 1973 का जब केस आता है केशवानंद भारती का, केशवानंद भारती के केस में इसको क्या किया गया, केशवानंद भारती के केस में इसको माना गया कि ये संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान की जो मूलभूत ढांचा है, जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, संशोधन कोई नहीं किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि 1976 में बेरुबरी के केस में इसमें पहली बार संशोधन होता है, सॉरी इसमें बेरुबरी के केस में पहली बार कहा जाता है कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती के केस में कहा जाता है कि नहीं, ये संविधान का ही पार्ट है, लेकिन इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है इसमें। आगे देखते हैं, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने पहली बार गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में इसको संविधान की मूलात्मा कहा था। किसको कहा था, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही संविधान की मूलात्मा कहा था। कि इन्होंने कहा था, ये है जस्टिस हिदायतुल्ला, इन्होंने कहा था। के एम मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा था, किसको कहा था, ये जो हमारी प्रस्तावना है उसी को के एम मुंशी महोदय ने राजनीतिक जनपत्री कहा था। और सुभाष कश्यप संविधानविद हैं, इन्होंने संविधान प्रस्तावना के संदर्भ में सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। ये तो ये सुभाष कश्यप ने कहा था। संविधान के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि संविधान की जो असली कॉपी थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, वो हाथ से लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको इटैलिक स्टाइल में लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से रिक्वेस्ट किया था। तो इन्होंने बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में पूरे संविधान को लिखा था। और इस संविधान के प्रत्येक पन्ने पर, शांति निकेतन के द्वारा डायग्राम बनाया गया था, प्रत्येक पन्ने को कलाकारों के द्वारा सजाया गया था। और जो संविधान की असली प्रतियां हैं वो हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में लिखी गई हैं। इन्हें आज ही भारत के संसद में हीलियम के डिब्बों में रखा गया है। जो संविधान इटैलिक में लिखा गया था, संविधान की जो भाषा लिखी गई थी इटैलिक में रायजादा के द्वारा, प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा, तो इन्होंने कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने हर पन्ने पर अपना नाम, यहाँ देख सकते हैं कि संविधान का ये है, मैंने ये प्रेम रायजादा ने इसी शर्त पे इस संविधान को इटैलिक भाषा में लिखा था कि प्रत्येक पेज पर इनका नाम होगा और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद जी सक्सेना का नाम लिखेंगे। और इसी शर्त पर इन्होंने संविधान को इटैलिक भाषा में